अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू योलॉजी बाय थियर शो। आज मेरे को इसकी लास्ट डेट है, मैं उसकी तैयारी करूँगी अभी ही। आज इसकी तैयारी करूँगी और आज ही क्विज मैं अटेंड करूँगी, ठीक है। कौन सा क्विज है? हमारा PTU 101 का क्विज है। सिलेबस का कवर है, मैं सिर्फ और सिर्फ ना इसकी PPTs वाला काम करना, फिर MCQ वाला काम करना है, उसके बाद फिर मैंने उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग को भी ऑल द बेस्ट और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अच्छा हो जाए, ठीक है। चलते हैं आगे। बस डाउनलोड हो रहे, डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम लेक्चर नंबर 25 टू लेक्चर नंबर 40। तो फ्रेंड्स, अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे मेरी वीडियो को, कमेंट में ज़रूर लिखा करें आपका जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी कुछ आपने पूछना हो या फिर बताना हो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। और फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दिया करें आप लोग व्यू करके, ऐसे चले जाया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बस वेट कर रही हूँ मैं इसका डाउनलोड होने का, जैसे डाउनलोड हो जाता है तो बस फिर हम लोग इसको रीड आउट कर लेंगे। इसके अलावा जो हमने काम करना है वो हमने इसके टाइम से क्यों देना, उनको पढ़ना है, उनको देखना है, मतलब कि यहाँ पर जो पोस्ट प्री असेसमेंट होती है ना इसकी, यहाँ से जाकर देखने उनसे ही उसको, ठीक है। और वो नेक्स्ट स्टेप है वीडियो का, दूसरी वीडियो भी करेंगे वो काम। इस वीडियो में ये वाला हो जाए तो वेल एंड गुड। सो ये भी मैं आप बात आपको बता दूं, आज रात 12 बजे तक हम लोग, मतलब 11:59 तक हम लोग कोई सा अटैम्प्ट कर सकते हैं, सही है। तो आई प्रेफर कि आप 12 बजे का वेट ना ही करें, 2-3-4 घंटे पहले कर लें। मेरी जैसे अभी तैयारी हो जाएगी मैं फ़ौरन से कुछ अटैम्प्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। फ्लाइट के आने जाने का भी बहुत इशू रहता है ना, इसलिए आजकल सर चीज का ध्यान रखना चाहिए। तैयारी के बगैर कोई सही नहीं होता, एटलीस्ट आप लोग अपने मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ही है पिछले सेमेस्टर का, सही है। तो इसीलिए इस बार मैं कोई भी काम तैयारी के बगैर नहीं कर रही, बस ये हो जाए अल्लाह खैर, अभी भी रहता है।
सेकेंड आउट ऑफ टाइम। ये देखिए आप लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, ये हैंड आउट से खुलवा सकते हैं, और ये बुक है, ये रेफरेंस बुक है, और ये भी बुक है, और ये भी हैंड आउट है। इसके अलावा ये वाले भी हैंड आउट के इनको स्लाइड्स लगा हुई हैं इसके अंदर। इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुश्किल से हो रहा है ये। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा ये वाला। हम यूट्यूब से जितने भी एमसीक्यूज मिलेगा ना वो हम अपने पास में लिख लेंगे। ये वाला एक ये वाली वीडियो है, ठीक है, और फिर ये वाली वीडियो है, देखते हैं टोटल कितनी होती है। टोटल तो मेरे काफ़ी सारी हैं और इनको हम सबका टोटल पसंद तो नहीं कर सकते ना, इसलिए ब्यूटी मंदिर हो कि यहाँ तक तो पढ़ना टम है यहाँ तक।
क्विज वन है फाइनल टर्म के लिए एमसीक्यू के लिए में। इन दोनों कोशिश करेंगे दोनों जो वरना तो ये वाली ब्लॉग में कर लूँगी। ठीक है, ये आप लोगों को पता है टाइम भी शॉर्ट है, चलते हैं। लोड हो जाएगी ना, सभी अपना नहीं बना। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास, हम इसे पढ़ लेते हैं। अब ठीक है, तो चलते हैं आगे। सर 25 टॉपिक पर चल लेते हैं। फिज स्पीशीज ऑल ऑफ विच डिपेंड इंटायरली ऑन वेस्प फॉर पोलिनेशन। फिग्स आर नॉट फ्रूट्स, दे आर स्पेशलाइज इनफ्लोरिसेंसेस विद हंड्रेड्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। रिसेप्टिव फिग्स प्रोड्यूस सेंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पोलिनेटर स्पीशीज। शेप ऑफ ओस्टियोल, ओस्टियोल स्पेसिफिक टू हेड शेप ऑफ पर्टिक्यूलर वैस्प स्पीशीज। लॉक एंड की, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर्स स्पेशलाइज टू अ पर्टिक्यूलर वैस्प स्पीशीज। सही, फ्लाइज एंड मॉथ्स हैव आउटसाइड आउट आउट
ग्लैंडिश प्रोबोसिस एक्सट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम सिमिलरली आउटलैंडिश फ्लावर्स. सही है. उसके बाद एटीना एंट्स ग्रो फंजाई इन देयर कॉलोनीज. दे प्रोवाइड लीव्स एज फूड फॉर फंजाई यीस्ट एंड एलिमिनेट कंपटीशन फॉर देम. फंजाई प्रोड्यूस न्यूट्रिशनल गोंगलीडिया एंड दीज आर हेल्पफुल स्वेलिंग्स. गोंगलीडिया आर हार्वेस्टेड बाय आंट्स टू फीड देयर लार्वी. को एवोल्यूशन एग्जिस्ट फ्रॉम 50 मिलियन ईयर्स. एंड्स प्रोटेक्ट एफिड्स फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स. एफिड प्रोड्यूस हनी ड्यू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर आंट्स. स्पेसिफिकली को एवॉल्व फॉर आंट्स. ठीक है. हमारे पास है सिम्बायोसिस लेसन नंबर 26. सिम्बायोसिस रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर. ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव टाइप्स म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म पैरासाइटिज्म. रिलेशनशिप कैन बी ऑब्लिगेट मीनिंग दैट वन और बोथ ऑफ द सिम्बायोंट्स टोटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल इन लिचेंस विच कंसिस्ट ऑफ फंगल एंड फोटोसिंथेटिक सिम्बायोंट्स द फंगल पार्टनर्स कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन. फैकल्टेटिव मीन्स ऑप्शनल मीन्स ऑप्शनल. अच्छा. म्यूचुअलिज्म लॉन्ग टर्म रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. बोथ इंडिविजुअल्स गेट बेनिफिट. एग्जाम्पल एंड की हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल कमेंसलिज्म. वन स्पीशीज गेन्स बेनिफिट वाइल दोज ऑफ द अदर स्पीशीज इज नीदर बेनिफिट नॉट हार्म्ड. एग्जाम्पल है रिमोरा फिश एंड शार्क. एज इन द रिमोरास दैट ब्राइड अटैच टू शार्क्स एंड द फिशेज. रिमोरास फीड ऑन देयर होस्ट फीकल मैटर पैरासाइटिज्म. वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिट अदर स्पीशीज हार्म्ड. इंटीमेट कॉन्टैक्ट फीड ऑफ होस्ट यूजली डू नॉट किल होस्ट पैरासाइटॉइड्स डू. Enhances fitness of parasite but reduces fitness of host parasitoid. Wasp larvae eat caterpillar. Okay, उसके बाद है now types of parasites. Micro parasites reproduce inside host bacteria viruses. Macro parasites release juvenile outside host. For example, trematodes. Endoparasites of examples are liver fluke, tapeworm, nematodes. एक्टोपैरासाइट टिक माइट फ्लीज मॉस्किटो लाइस. लेक्चर नंबर 27 है पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म वन स्पीशीज गेन बेनिफिट अदर स्पीशीज हार्म. होस्ट पैरासाइट इंटीमेट कॉन्टैक्ट फीड ऑफ होस्ट यूजुअली डू नॉट किल होस्ट. और पैरासाइटॉइड्स टू एनहांसेस फिटनेस ऑफ पैरासाइट बट रिड्यूसेस फिटनेस ऑफ होस्ट पैरासाइटॉइड. वैस्प लार्वी ईट कैटरपिलर. और उसके बाद में एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी को पैरासाइटिज्म पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स. पैरासाइटिक कैस्ट्रेटर्स पार्टली और कम्प्लीटली डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ होस्ट. अदर सिस्टम्स आर लेफ्ट इंटैक्ट. होस्ट एनर्जी यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ पैरासाइट डायरेक्टली ट्रांसमिटेड do not eat vector of vector for transmission to host cycle host life cycle. Vector transmitted need a vector for transmission to final host life cycle. Knows an intermediate host do not sexually reproduce an intermediate host. Sorry. उसके बाद है parasitoids mostly are insects sooner or later kill their host. Types are idiobiont coenobiont. Idiobionts, parasites, parasitoids sting their prey or capture, either killing them outright or paralyzing them immediately. Coenobiont, parasitoids, flies as well as wasps lay their eggs inside young host, usually larvae, allowed host to grow. Parasitoids emerge as adults, leaving the prey dead, eaten from inside. माइक्रो प्रेडेटर्स अटैक्स मोर देन वन होस्ट रिड्यूसिंग ईच होस्ट फिटनेस. मोस्ट माइक्रो प्रेडेटर्स आर टोमेटो
फेजिक फीडिक और ब्लड टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स एग्जाम्पल लिवर फ्लूक टेपवर्म निमाटोड्स एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल आर टिक माइट्स फ्लीज मॉस्किटो लाइस हेमोफ्लेज वन सो लेक्नोमोटोटी एट कैमोफ्लेज यूज ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ मटीरियल कलरेशन और इल्यूमिनेशन कंसीलमेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक कलरेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैमोफ्लेज क्रिप्सिस ऑब्जेक्ट्स हाइड एंड हार्ड टू सी मिमिक्री डिस्गुजिंग देम एज समवन एज समथिंग एल्स मोशन डेजल यूजिंग विजुअल इल्यूजंस प्रोटेक्ट विदाउट हाइडिंग क्रिप्सिस रिजेंबलेंस टू सराउंडिंग कलर्स एंड पैटर्न्स रिजेंबल अ पर्टिकुलर नेचुरल बैकग्राउंड चेंज देयर कलर इफ एनवायरमेंट चेंजेस एग्जाम्पल्स आर इजिप्शियन नाइट जार और पैरट सही उसके बाद डिस्टर्प्टिव कलरेशन स्ट्रॉन्गली कंट्रास्टिंग नॉन रिपीटिंग मार्किंग सच एज स्पॉट्स और स्ट्राइप्स इट ब्रेक्स of the outline of an animal need other strategies for survival example है leopard और giraffe ठीक है उसके बाद में illuminating shadow flatten bodies sides thinning to enhance animals habitually press their bodies to the ground sides are fringed with white scales examples of are horned lizard distraction High contrast markings which attract the predator's gaze distract predator from recognizing whole prey distract from identifying prey's outline example is bush buck यहाँ पर तो zebra की example भी आ सकती है फिर आगे चल लेते हैं हम लोग lecture number 29 और camouflage 2 for self decoration decorating with materials such as twigs and sand or pieces of shell break up their outlines conceal the feature of their bodies match their backgrounds decorator crabs yes इसके हमने वीडियो में देखी थी changeable skin coloration actively change their skin patterns and colors change can be rapid or seasonal chameleon rapidly changes its color arctic fox changes from brown to gray brown or grey in summer to white in the winter use special chromatophore cells for fur molting to resemble their current background counter shading shadow makes the upper side darker and underside lighter counter shading created color to counteract the effect of self shadowing creating an illusion of flatness makes animal darker below and lighter above gazelles grasshoppers sharks dolphins sahi hai uske baad hamare paas lecture number 30 hai camouflage 3 counter illumination producing light to match a background that is brighter than an animal's body light producing organs photophores scattered all over its underside hatchet fish firefly squid illumination makes them lighter in color from below eliminates shadow protect them from predator transparency mein hai hamare paas few marine animals float near the surface are highly transparent makes them invisible to predators at certain distance most efficient इन डीपर वाटर सही उसके बाद चलते हैं आगे एग्जाम्पल मेरे पास इसकी जेली फिश सिल्वरिंग ट्रांसपेरेंसी कैन बी इंटीमेटेड बाई सिल्वरिंग इट मेक्स बॉडी रिफ्लेक्टिव लाइट कम्स फ्रॉम अबव रिफ्लेक्टेड बाय मिरर लाइक बॉडी अच्छा सही उसके बाद मेक फिश इनविजिबल फ्रॉम द साइड सही एग्जाम्पल है हेरिंग फिश मोशन डेजर्ट Crypsis might be ineffective when animals move motion makes it visible to predator. Rapidly moving bold patterns of contrasting stripes counteract this risk. So, ab iska example hai zebra due to optical illusion. हाँ, बिल्कुल ठीक. उसके बाद हमारे पास mimicry है. Mimicry में
मिमिक्री मोशन डजल मे डिग्रेड प्रीडेटर्स एबिलिटी टू एस्टिमेट द प्रे स्पीड एंड डायरेक्शन एक्यूरेटली गिविंग द प्रे एन इम्प्रूव्ड चांस ऑफ एस्केप द रिसेम्बलेंस ऑफ द स्पीशीज टू अनदर फॉर प्रोटेक्टिव और एग्रेसिव पर्पजेस ये हैं डिफरेंट फ्रॉम कैमोफ्लेज दे इंटीमेट इंस्टेड ऑफ हाइडिंग बाय कैमोफ्लेज स्ट्रेटजीज मिमिक्री टाइप्स ऑफ मिमिक्री ऑन द बेसिस ऑफ अडॉप्टिंग डिफरेंट मॉडल्स टू मिमिक बैटिसियन मिमिक्री एंड मिलेरियन मिमिक्री बैटिसियन मिमिक्री एसोसिएशन इन विच द मेंबर्स प्ले टू डिफरेंट रोल्स मॉडल और मिमिक सही ठीक है मॉडल अ स्पीशीज विच पजेसिस द इनहेरेंट प्रोटेक्शन फॉर एग्जाम्पल पॉइजनस केमिकल्स इन इंसेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज द मिमिक द मिमिक स्पीशीज विच लैक्स द बेसिक प्रोटेक्शन बट रिजेंबलिंग द मॉडल सुपरफिशियली गेन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स मॉडल मोनार्च ब्लड बटरफ्लाई और मिमिक वाइसरॉय बटरफ्लाई ठीक है सही उसके बाद बैटिसियन मिमिक्री मिमिक्स यूजुअली स्मॉलर देन मॉडल्स मिमिक्री रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल्स वन सेक्स मस्ट स्टे द सेम टू बी रिकॉग्नाइज और फीमेल्स डू नो डू द चूजिंग सो मेल मस्ट बी द ओरिजिनल फॉर्म अबंडेंस ऑफ द मिमिक इज लिमिटेड बाय इट्स इफेक्टिवनेस और इफ टू कॉमन देन प्रेडेटर्स लर्न द रोंग सिग्नल नंबर्स इंक्रीज टू पॉइंट ऑफ सिलेक्टिव नेचुरलिटी वेयर बेनिफिट इक्वल्स कॉस्ट ठीक है अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉमन इफ मोर फेज एट सिलेक्टिव न्यूट्रलिटी न्यू मॉर्फ बी मिमिकिंग अ डिफरेंट मॉडल विल बी एट अ सिलेक्टिव एडवांटेज मिलेरियन मिमिकरी डिस्टेस्टफुल स्पीशीज दैट मे और मे नॉट बी क्लोजली रिलेटेड शेयर वन और मोर कॉमन प्रेडेटर्स मिमिक ईच अदर्स ऑनेस्ट वार्निंग सिग्नल्स टू देयर म्यूचुअल बेनिफिट predators learn to avoid all of them. In Mullerian mimicry, two equally noxious species evolve to look similar to each other. Now you would wonder why these species want to mimic each other when they both have good defenses. This question was asked by many, and the experts came up with an answer. Studies have shown that when two harmful species look alike, there are higher chances of repelling predators and lesser fatalities. When a predator eats a noxious insect, it will begin avoiding it with experience. Another similar looking harmful insect will automatically be safe from the predator without having to do much. It is easier to educate the predator faster by looking alike than wasting time and increasing preying incidents. Polymorphism is infrequent. Models tend to stay the same because there is an advantage in being different. There is a disadvantage in being different. No limit to a number of species participating. Different colors depend on location and visibility. Groups at different levels in tropical forest have different colors due to different light levels. सही है उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 22 एपोसिमेटिज्म अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल दैट वॉन्ट्स प्रेडेटर्स इट इज टॉक्सिक डिस्टेस्टफुल और डेंजरस एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिग्नल्स कलर अडोर्स और साउंड और एग्रेशन और फंक्शन इज टू प्रिवेंट अटैक बेनिफिशियल फॉर बोथ प्रेडेटर एंड प्रे सेविंग देम फ्रॉम हार्म टाइप्स ऑफ सिग्नल्स प्राइमरी इजीली डिटेक्टेबल कलर्स और सेकेंडरी इनविजिबल अल्ट्रासोनिक नॉइज फॉर स्पेसिफिक प्रेडेटर सही है जनाब उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी सिग्नल्स ब्राइट एंड हाई कंट्रास्ट कलर्स कलर पैटर्न्स Such as stripes, effective colors are red, yellow, black, and white colors resist changes in shadow and lightning. Warning coloration evolves in responses to background light condition, predator vision. Other visible signals
adore sound aggressive behavior. Examples are tiger moth, bitter taste and ultrasonic sounds. Skunk, noxious odor. Dart frog, poison. Velvet ant, sting and noise. सही. इसके बाद है ही हनी बैजर्स रिवर्स काउंटर शेडिंग मेक्स इट कॉन्स्पिकस ऑनेस्टली सिग्नलिंग इट्स सिग्नलिंग इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इट सेल्फ. अच्छा. थ्रू इट्स एग्रेसिव टेम्परामेंट एंड इट्स शेप टीथ सॉरी इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज. एग्जाम्पल्स आर ब्लैक विडो स्पाइडर न्यूरोटॉक्सिन हनी बैजर एग्रेसिव प्रिवेलेंस बोथ टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम मोस्टली इंसेक्ट्स मेरीन एनिमल्स न्यूडिब्रांच और क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश इरिडिसेंट ब्लू राइट्स इरिडिसेंट ब्लू रिंग्स ऑन द मेंटल्स ऑफ द विनोमस ऑक्टोपस आर कंसिडर्ड बाय सम टू बी एपोसिमेटिक. ठीक है. इसके बाद हमारे पास में है एटमोसफेयर एटमोसफेयर एंड एवोल्यूशन. वन एटमोसफेयर ऑफ अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेज कॉमनली नोन एज एयर सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ रिलेटेड बाय अर्थ ग्रेविटी एवोल्यूशन. फर्स्ट एटमोसफेयर कंपोजिशन ऑफ गैसेज लाइक सोलर नेब्यूला डिस्क ऑफ डर्ट एंड गैस एजेड 4 बिलियन ईयर्स अगो हाइड्रोजन मिथेन हीलियम अमोनिया वाटर वेपर्स. सेकेंड एटमोसफेयर चलिए सेकेंड एटमोसफेयर में चलते हैं. सेकेंड एटमोसफेयर में है आउट गैसिंग फ्रॉम वल्केनिज्म सप्लीमेंटेड बाय गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हैवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ अर्थ बाय ह्यूज एस्टेरॉइड्स एडेड नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन डिसॉल्व इन वाटर रिएक्टिव विद मेटल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कार्बोनेट्स दैट वर डिपॉजिटेड एट सेडिमेंट्स. वाटर रिलेटेड सेडिमेंट्स हैव बीन फाउंड डेटेड फ्रॉम एन एज अर्ली एज 3.8 बिलियन ईयर्स अगो मोलिक्यूलर नाइट्रोजन फॉर्म्ड. अर्थ टेम्परेचर वॉज वार्म बिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन वॉज डिवेलप्ड. एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग सैनोबैक्टीरिया नोन एज ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट. एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग सैनोबैक्टीरिया नोन एज ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट. अच्छा ये दोनों बात चलते हैं आगे. यहाँ पर है एटमोसफेयर एंड एवोल्यूशन. टू लेक्चर नंबर 34 है हमारे पास एवोल्यूशन और थर्ड एटमोसफेयर है. यहाँ पर कॉन्स्टेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कंटिनेंटल प्लेट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लार्ज कंटिनेंटल कार्बोनेट स्टोर्स. ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस वाज बीइंग यूज्ड इन रिड्यूसिंग मटेरियल्स ग्रेजुअली इट वाज शिफ्टेड टू ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर इन इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग. 541 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन मेड स्टेबल 50% ऑफ एटमोसफेयर क्वान्टिटी ऑफ एटमोसफेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लास्ट बिलियन ईयर्स. यहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ सही है नीचे एक्सेसिस पे. मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर प्रेजेंट और ऑक्सीजन नंबर सॉरी ऑक्सीजन वॉल्यूम इन परसेंटेज. ठीक है.
ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन अबाउट किलोमीटर्स 31 to 50
ट्रोपोस्फेयर टू टेक बेनिफिट ऑफ लो एयर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ऑप्टिमाइजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। बैक्टीरियल लाइफ सर्वाइव इन द स्ट्रेटोस्फेयर, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर। फ्यू बर्ड स्पीशीज हैव बीन ऑब्जर्व इन अपर ट्रोपोस्फेयर। रुपेल्स वल्चर और बार हेडेड कीज। ओजोन फ्रॉम एक्शन, ओ टू से ओ टू था पहले, सीकर उसका तो यूवी लाइट आई तो टू ओ बन गया, फिर उसके बाद ओ प्लस ओ टू जो है ना वो मिल जाती तो ओ3 बनता है, ओजोन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में है स्ट्रेटोस्फेयर बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्ट्रेटोपोज, सॉरी स्ट्रेटोपोज बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। हाइट 42 किलोमीटर हाई अबव द अर्थ सर्फेस। प्रेशर 1/1000 ऑफ द प्रेशर एट सी लेवल। टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारा है लेक्चर नंबर 39। मेसोस्फेयर लेयर डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डायरेक्टली बिलो द मेसोस्फेयर, बिलो द थर्मोस्फेयर। अच्छा, लोअर बाउंड्री इज 50 to 65 किलोमीटर्स, अपर बाउंड्री इज अराउंड 85 to 100 किलोमीटर। इट इज कॉल्ड एज नियर स्पेस। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट ड्यू टू डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। रेयर फीड लो डेंस एटमोसफेयर, इंक्रीजिंग कूलिंग बाय कार्बन डाइऑक्साइड रेडिएटिव इमिशन। और टेम्परेचर्स इन द अपर एटमोसफेयर अपर मेसोस्फेयर फॉल एज लो एज -101 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरिंग अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड एंड सीजन। आयरनाइजेशन स्टार्ट्स हियर ड्यू टू मिनिमम ग्रेविटी। और पोलर ऑरोरा इज ऑब्जर्व ड्यू टू एंट्री ऑफ सोलर विंड्स। ओके, मेसोपॉज बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। हाइट 85 to 100 किलोमीटर्स, टेम्परेचर 100 to 102 डिग्री सेंटीग्रेड। सो लेक्चर नंबर 40, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, लेयर डायरेक्टली अबव द मेसोस्फेयर एंड बिलो द एक्सोस्फेयर। हाइट 80 किलोमीटर्स, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेस फोटो आयनाइजेशन और फोटो डिफरेंशिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग आयंस नोन एज आयनोस्फेयर। प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद आल्टीट्यूड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली एनर्जेटिक सोलर रेडिएशन। टेम्परेचर कैन राइज 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। हाईली डाइल्यूटेड गैस इन दिस लेयर कैन रीच 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे। टेम्परेचर्स विल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप इफ सोलर एक्टिविटी इज लिमिटेड। आयंस आर फॉर पार्ट टू ट्रांसफर हीट थ्रू कंडक्शन। अराउंड 160 किलोमीटर्स द डेंसिटी इज सो लो दैट मोलिक्यूलर इंटरेक्शन आर टू इनफ्रीक्वेंट टू परमिट द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। सोलर विंड्स, एक्सट्रीम यूवी स्टॉर्म्स एंड एटमोस्फेरिक वेव्स आर ऑब्जर्व्ड हेयर। बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज टू इंटेंस टू वीकन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अपोजिट एंड डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश द बाउंड्री बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इट इज लोकेटेड डायरेक्टली अबव द